फ्रेंड्स, मैं शालिनी रस्तोगी आज आपको स्मोकिंग दाल बनाने की रेसिपी बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैंने एक कटोरी चने की दाल और एक कटोरी उड़द की धुली दाल ली है। दोनों दालों को अच्छे से मैंने धो करके और 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब कुकर में चने की दाल को 3 प्रेशर लगाकर उबाल लेंगे। चने की दाल अच्छे से गल चुकी है, इसमें डालेंगे अदरक के टुकड़े, कुछ लहसुन की कलियां, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नमक और साथ ही डाल देंगे इसमें धुली हुई दाल जो हमने भिगो कर रखी थी उसको भी डाल देंगे। चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें 1 प्रेशर हम और लगा लेंगे। अब एक पैन में देसी घी को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा और इन दोनों को भूनने के बाद इसमें डालेंगे प्याज और इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज के भुनने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर और उसको भी भून लेंगे। अब एक इमली का कोयला लेंगे और उसको गैस पर अच्छे से जला लेंगे। इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच मिर्च और हमारा फ्राई तैयार हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे। दाल हमारी बन चुकी है, दोनों दालें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी दही और मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। दाल को हमें गाढ़ा ही रखना है, इसको भी चला लेंगे और डालेंगे फ्राई जो हमने बनाया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दाल में स्मोक देने के लिए दाल के बीच में हम ये एक प्याली रखेंगे और जो कोयला हमने जलाया था उसको इसके बीच में रख देंगे। और इसके ऊपर डालेंगे देसी घी। घी थोड़ा ज्यादा से डालना है। और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। ऐसा करने से दाल में धुएं का सोंधापन आ जाएगा और दाल और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगी और स्मेल उसकी बढ़ जाएगी। 10 मिनट के बाद कुकर खोल लेंगे और जो हमने प्याली रखी है उसको निकाल लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और फिर दाल को सर्व करेंगे। लाल घी डालकर इसको सर्व करेंगे। थैंक यू।